एक तरफ विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की वानखेड़े स्टेडियम में, कि जसप्रीत बुमराह की सराहना कीजिए, उनके लिए तालियां बजाइए, तो वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह के रिटायरमेंट को लेकर भी कई सारी खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह क्या वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, क्या वो तीनों फॉर्मेट एक साथ नहीं खेल पाएंगे, क्या वो एक फॉर्मेट से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसी बीच जसप्रीत बुमराह से ये सवाल पूछ ही लिया गया कि आप अपने रिटायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले जसप्रीत बुमराह से सवाल किया गया कि आप रिटायरमेंट पर क्या सोच रहे हैं। उस पर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अपने रिटायरमेंट के बारे में मैं यही सोचता हूं कि ये अभी बहुत दूर है, मैंने अभी शुरुआत ही की है और उम्मीद है कि मेरा रिटायरमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा दूर हो और अभी मैं इसके बारे में फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये बातचीत चल रही थी, उस मैदान के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये मैदान सही में बहुत खास है, मैं तब बच्चा था जब यहाँ आया करता था और आज मैंने देखा कि जिस तरीके का नज़ारा जो मैं आज देख रहा हूँ ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। भारत के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद हर खिलाड़ी के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक पड़े थे। उन्होंने कहा कि मैंने जब अपने बेटे को देखा तो मैं भावुक हो गया, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, बेटे को देखकर भावनाएं सामने आ जाती हैं, मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं 2-3 बार रोया। तो जसप्रीत बुमराह का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया और जसप्रीत बुमराह खुद भी भावुक हो गए, अपने बेटे को देखकर, फैंस को देखकर भावुक हो गए और रिटायरमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो टीम इंडिया के फैंस भी जो है जो चिंता कर रहे थे कि कहीं जसप्रीत बुमराह भी रिटायरमेंट लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने साफ कर दिया है कि अभी रिटायरमेंट के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये अभी बहुत दूर है।